पटाखे भी लाएगा। मजा। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? क्या यार वो क्या एडिटिंग। हेलो गाइस, इट्स वंशिका नंदा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पठान ऑफिशियल ट्रेलर पिक बाय इमरान खान एंड नवाज शरीफ। एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है, पठान के कुछ डायलॉग्स हैं जो कि इमरान खान बोलेंगे नवाज शरीफ को, और लेकिन ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि पठान कितनी हिट मूवी रही थी, और इंडिया में तो ये हिट रही थी, इवन पाकिस्तान में हिट बहुत रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यार इंडिया की ना मूवीज पाकिस्तान में नहीं चलती है, वो टोटली बैन है, लेकिन वहां पे ब्लैक में चली है, थिएटर्स में लोगों ने ब्लैक में टिकट्स दे देकर देखी है मूवी, है ना, इतनी अच्छी लगी थी वहां पे मूवी, और इंडिया में भी ये बहुत सुपर हिट रही है। लेकिन इस मूवी इस पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि जब इमरान खान वो पठान के डायलॉग्स नवाज शरीफ को बोलेंगे तो कैसा रहेगा। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है, क्योंकि पठान लाइक इमरान खान हैं भी एक पठान, और जब पठान के डायलॉग्स लगाए जाएंगे इमरान खान के ऊपर और वो हिट किए जाएंगे नवाज शरीफ के ऊपर, तो तड़का लग जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आउटफिट एक्स एक प्राइवेट टेरर ग्रुप जो किसी मकसद के लिए नहीं बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। मैम, वी हैव अ रेड फ्लैग। दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक और उनका टारगेट है इंडिया। एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। And your time starts now. Now. तो अब पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे? तुम्हें मरना बाजी के लिए पठान तो आया। और पटाखे भी लाएगा। मजा। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? क्या यार वो क्या एडिटिंग। पठान हंटर। क्या अपनी भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। ये बिल्कुल राइट बैठ जाएगा। जय हिंद। इसको देखने के बाद मैं ये बोलती हूँ कि अगर इसकी मतलब पाकिस्तानी अगर ऐसी पठान की एज अ कॉपी मूवी बनाए ना इमरान खान पे, तो मैं खुशी खुशी उसको देखूंगी सीरियसली। हाँ तुम नहीं बल्कि हर बंदा ही देखेगा मतलब यार, मुझे ये मुझे ये ट्रेलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा सीरियसली, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब अगर हम एडिटिंग की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कमाल की एडिटिंग थी।
बिल्कुल यार, ये जिस बंदे ने इसको एडिटिंग किया है, बल्कि जिस बंदे ने ये सोचा कि इस मूवी के ऊपर ही इनके डायलॉग्स लगाए जाएंगे, ये माइंड में आना ही बहुत बड़ी बात है। और इसको जिस तरह से उसने एडिट किया, इतने अच्छे तरीके से सब डायलॉग्स बैठे हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। और जिस इस तरह वो एंड पे लाइक वो इमरान खान जब उनको गोली लगती है और वो लेटे होते हैं, और फिर वो जब वो डायलॉग बोलते हैं कि मतलब कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे मिलन भाले क्या किया, ये पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ओवरऑल इट वॉज अमेजिंग, सीरियसली। हाँ, और मतलब कि जैसे जैसे डायलॉग्स थे उसमें मरियम भी आई, उसमें हाँ, मतलब क्या नाम था, मरियम ही है, मरियम नवाज। हाँ ठीक है, 1, 2, 3। उसमें जैसे मरियम नवाज भी आई थी, उसका भी था ठीक है, और नवाज शरीफ भी आए थे, वो भी अपना वाला पार्ट बोलते थे। तो बेसिकली सारे उन्होंने वो ना किरदार को दिखाया हुआ है उन्होंने, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा कमाल की लगी। तो मुझे वो प्रॉपर ऐसे पठान मूवी की वाइब्स ही आ रही थी। और जैसे कि लास्ट में उन्होंने जैसे उन्होंने दिखाया कि जब इमरान खान को चोट लगी थी, वो मतलब गिरे हुए थे, तो उन्होंने वाला सोल्जर वाला डायलॉग लगाया कि एक सैनिक कभी हारता नहीं है, वो बस चोट खाता है, ये वो वाली बात। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो ऐसा था कि वो डायलॉग बहुत ज्यादा सिचुएशन के हिसाब से फिट हो रहे थे देखा जाए तो। और वो जो मरियम नवाज की आई थी लेट्स गो, मुझे था कि नहीं यार इसको बोलना चाहिए था लेट्स गो टू लंदन, लंदन में भागो, इसे आखिरी रास्ता यही है वहां जाके छुप जाओ। तो ना मुझे बस वहां पे थोड़ी सी कमी लगी, लेट्स गो टू लंदन कहते ना फिर और मजा आना था। लेकिन इस मूवी में लेट्स गो टू लंदन था नहीं, लेकिन लेट्स गो तो था ही ना, आगे समझ जाओ। लेकिन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। हाँ तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय।